अगर आप वीडियो के थंबनेल को देखकर नहीं समझ पाए तो इसे देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके सामने क्या पेश करने वाला हूं। ये है एसर का कॉन्सेप्ट डी CP3271K मॉनिटर, 27 इंच का ये IPS डिस्प्ले LCD स्क्रीन जो कि मेरे कंप्यूटर बिल्ड का एक हिस्सा होने वाला है। हाँ, मैं अपने लिए एक नया कंप्यूटर असेंबल कर रहा हूँ। देखिए, COVID-19 की सेकेंड वेव चल रही है, लाखों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं COVID-19 से, कई लोगों की जाने भी जा रही हैं। बहुत बहुत मुश्किल समय है ये सभी लोगों के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि COVID-19 के खिलाफ इस लड़ाई में शुरू से ही सबसे आगे रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बच्चे हो, इस महामारी के दौर में एक बहुत बड़ी चीज है मानसिक दृढ़ता। आपका अपना स्वास्थ्य और आपका अपना शरीर तो है ही, लेकिन इस समय आपका मन भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों से भी अपील करूंगा, कितने भी बुरे दिन आ जाएं, अपने आप को मत छोड़िएगा। आपका जो भी काम है, अगर आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई पैशन है, उसे बिल्कुल अपने से दूर ना जाने दें, खास तौर पे इस कंडीशन में जब पता नहीं कल क्या हो। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये नंबर भी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे एक डॉक्टर मित्र ने एक इनिशिएटिव लिया है, ये फोन नंबर्स आपके लिए COVID-19 से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान देने के लिए, डॉक्टरी परामर्श देने के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। अगर आपको कहीं कोई दुविधा है और आप किसी डॉक्टर के पास, अपने परिचित डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम टेली कंसल्टेशन के लिए इन नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। पीसी बिल्डिंग की तो बात हम लोग करेंगे ही, लेकिन वो कोई इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो कि सिर्फ एक वीडियो में मैं कवर कर सकूं। मैं पिछले लगभग 2.5 महीनों से इसके लिए रिसर्च कर रहा हूं, कहां कौन सी चीज ऑनलाइन ले सकते हैं, कहां कौन सी चीज शॉप में जाकर ले सकते हैं, क्या मिल रहा है, क्या सही है, क्या नहीं है। मैंने जितना रिसर्च किया और मुझे जितनी जानकारी मिली, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि अगर आप पीसी खरीदना चाहते हैं या पीसी खुद असेंबल करना चाहते हैं, तो आपको भी एक गाइड की तरह मैं हेल्प कर सकूं। मैं कोई प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर तो हूं नहीं, लेकिन एज एन एंथुसियास्ट मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आज के वीडियो में अनबॉक्स करेंगे इस मॉनिटर को। तो मैंने ये मॉनिटर क्यों सिलेक्ट किया, ये मॉनिटर एक्चुअली एक वर्सेटाइल मॉनिटर है, और इसका USP जो आप बोल सकते हैं, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो इसका रेजोल्यूशन, 4K रेजोल्यूशन, HDR सपोर्ट, और इसका बहुत ही एक्यूरेट कलर गैमेट। यानी ये ना सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने का मजा दे सकता है, साथ ही साथ क्रिएटिव वर्क के लिए, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए, क्रिएटिव कामों के लिए, कुछ ग्राफिक्स बनाने के लिए, कुछ वीडियो एडिटिंग करने के लिए इसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार है। बॉक्स में सबसे ऊपर में है ये मॉनिटर शील्डिंग, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में आप काम करना चाहते हैं, उस समय आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो एम्बिएंट लाइट से, उसके लिए ये हुड। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बॉक्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये है कलर कैलिब्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट, CP3271K मॉनिटर 4K, इसके साथ एक कलर एक्यूरेसी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी, इसके साथ ये है एक ब्रैकेट केबल्स, ये डिस्प्ले पोर्ट है, ये डिस्प्ले पोर्ट केबल है, और ये भी डिस्प्ले पोर्ट केबल है। उसके साथ साथ हमें एक USB केबल भी मिल रहा है, और ये है इसका पावर ब्रिक, और ये है अपना मॉनिटर। इसके अलावा ये AC अडैप्टर पावर केबल के लिए, पावर ब्रिक के लिए। सारे प्रोटेक्टिव कवर्स हटाने के बाद इस मॉनिटर को हम लोग देखेंगे। इस मॉनिटर में सबसे बड़ी खासियत है इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन, यानी ये जो पीछे में इसका सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आपके काम के हिसाब से, आपके डेस्क के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके चेयर के हिसाब से, इसको आप ऊपर नीचे
टिल्ट एंड स्विवल सभी के ऑप्शन है। ये पूरा 90 डिग्री टर्न करके इसे पोर्ट्रेट मोड में भी रखा जा सकता है। खैर इसे सीधा करते हैं, मुझे पोर्ट्रेट मोड में ये रखना नहीं है, ये मेरा प्राइमरी मॉनिटर रहेगा। इसका बेस अच्छा खासा हेवी है, यानी दिखने में छोटा होने के बावजूद किसी भी तरह से ये बेस हिलने वाला नहीं है। ये बेस का वुडन फिनिश अपने आप में मेरे डेस्क के साथ मैच भी कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ वुड नहीं है, इसके अंदर इसके नीचे पूरा मेटल बेस है जो कि अच्छा खासा हैवी है, किसी भी तरह से अनबैलेंस होने की कोई बात कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो स्क्रू होल्स है यहां पर अपना एंटी डिस्ट्रैक्शन हुड हम लगा सकते हैं, और ये है एक एम्बिएंट लाइट सेंसर जो कि लाइट के हिसाब से आपके इस मॉनिटर का ब्राइटनेस वगैरह कैलकुलेट कर सकता है। पीछे में ये टॉगल कंट्रोल और कुछ बटन्स, और ये एग्जॉस्ट वेंट भी है। पैनल के पीछे के कनेक्टर्स में देखेंगे, ये सबसे पहले पावर इनपुट है, उसके बाद दो HDMI 2.0 है, दो डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे USB पोर्ट्स हैं, तीन USB पोर्ट्स हैं और ऑडियो आउटपुट है। ये मॉनिटर शील्डिंग हुड अब इंस्टॉल करके देखते हैं। हालांकि मुझे पता है कि ये शील्ड मैं अपने डे टू डे काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर भी अगर कभी एक्सटेंसिव ग्राफिक डिजाइन या एनिमेशंस में काम करना रहा तो ये हुड बहुत हेल्पफुल रहेगा। टेक्निकली ये हुड स्टूडियो सेटिंग्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हों उस समय। एनीवे इसको खोलते हैं, और इसके ऊपर इसमें तीन पार्ट्स हैं, दो साइड पैनल्स, और जो टॉप पैनल है वो बस इसके ऊपर रेस्ट करता है, साइड पैनल्स के ऊपर रेस्ट करता है। जो साइड पैनल्स है उसको स्क्रू इन करना पड़ेगा। स्क्रूज इसमें इनबिल्ट है, इसीलिए कोई बाहर से स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को चाहिए स्क्रू ड्राइवर। बाहर की तरफ से ये जो शील्डिंग है वो एक मैट एल्यूमिनियम फिनिश है, और अंदर की तरफ से ये एंटी रिफ्लेक्टिव वेलवेट फिनिश है, लेकिन ये एंटी रिफ्लेक्टिव होने के साथ साथ डस्ट मैग्नेट भी है, और जहां पर हम लोगों को स्क्रू इन करना है वहां पर स्क्रू के साथ साथ एक ये प्रोट्रूशन भी है, एक ये उभरा हुआ हिस्सा भी है जो कि हमको गाइड करेगा किस जगह से हमको ये शील्ड लगाना है। हुड का ये हिस्सा स्क्रू इन हो जाने के बाद ये इस तरह मूव इन मूव आउट कर सकता है, और लेफ्ट और राइट पैनल लग जाने के बाद जो टॉप पैनल है उसको सिर्फ इसके ऊपर रेस्ट कराना है, उसके लिए कोई स्क्रू इन की जरूरत नहीं है। ये साइड पैनल के साथ ये ग्रूव में सेट हो जाने के बाद अब ये जो हुड है एंटी डिस्ट्रैक्शन हुड है वो पूरी तरह से सेट हो गया। अब आते हैं इसके कंट्रोल्स पे। मॉनिटर के पीछे चार पुश बटन्स हैं और एक टॉगल स्विच है। पहला पुश बटन जो है वो पावर बटन है। पावर बटन पुश करने से यहां पर एक LED जलती है जो हमको इंडिकेट करता है कि पावर ऑन है, और उसके अलावा जो बाकी तीन है वो ऑप्शन कीज हैं जिसको हम लोग टॉगल के साथ अलग अलग सेटिंग्स में यूज करते हैं। अब ये वॉचेस डिस्प्ले ऑन होने के साथ ही साथ कुछ चीजें ध्यान में रखने की हैं। जहां मैंने OnePlus मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस 1000 nits तक है, वहां इस मॉनिटर की टॉप ब्राइटनेस मैक्सिमम 400 nits तक है, जो सुनने में बहुत ही कम लगता है, लेकिन मॉनिटर का जो साइज है उसके हिसाब से ये ब्राइटनेस काफी है। डेमोंस्ट्रेशन के लिए अभी सारी लाइटें बंद करके देखेंगे। ये ब्राइटनेस इसका टॉप ब्राइटनेस नहीं है। टॉगल स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद ये नीचे से सेकंड बटन दबाएंगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल आएगा, और ब्राइटनेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी टॉप ब्राइटनेस तक। ओके, ये है इसका टॉप ब्राइटनेस।
में बात करें तो प्रीसेट यहाँ पर जो मोड्स हैं, दो फुली कस्टमाइजेबल कैलिब्रेशन मोड्स हैं, उसके अलावा TCI P3 मोड है, जो सबसे ज्यादा विविड कलर्स आपको मिलेंगे वो ग्राफिक्स में मिलेंगे, और मूवी के लिए तो जस्ट सैचुरेशन तो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, और अपने हिसाब से आप अपना जो सेटअप है वो कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना इसमें इनबिल्ट दो स्पीकर्स हैं और 4 वॉट के स्पीकर्स हैं, तो ऑब्वियसली म्यूजिक एंजॉय करने के लिए या आपका गेम एंजॉय करने के लिए, कोई मूवी देखने के लिए या इनफैक्ट कोई भी एडिटिंग का काम करने के लिए इस मॉनिटर के ऑडियो आउटपुट पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो ऑब्वियसली अपने हेडफोन्स इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भी ये मॉनिटर लेते हैं तो ऑडियो के लिए आपको या तो साउंड बार लगाना चाहिए या तो अपना हेडफोन्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह है एसर का कॉन्सेप्ट CP3271K मॉनिटर, 27 इंच IPS पैनल, 4K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ ये मेरे PC बिल्ड का पहला कॉम्पोनेंट। आने वाले 2 वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना PC बिल्ड, आपके सामने PC असेंबल करूंगा और आपको कुछ और चीजें भी बताने की कोशिश करूंगा जो आपके PC बिल्ड में या PC परचेज के डिसीजन में हेल्प करेगा। तो मेरे अगले वीडियोस का इंतजार करते करते मेरे इस चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर एक अपलोड का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे हर अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं MRP और अपने परचेज प्राइस के बारे में बात जरूर करता हूँ। ये एक्चुअली मैंने Amazon.in से परचेज नहीं किया है, हालांकि अगर आप ये मॉनिटर Amazon.in से परचेज करना चाहते हैं तो उसके अफिलियट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूँ। इसका MRP 72,800 है और मैंने इसको परचेज किया 55,900 में। इतनी हाई वैल्यू का आइटम किसी अननोन वेंडर से ऑनलाइन परचेज करना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क का काम है। Amazon.in का जो भरोसा है वो अपने आप में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैंने अपने PC बिल्ड के अधिकतर कंपोनेंट्स Amazon से ऑर्डर नहीं किए हैं, उनमें से अधिकतर चीजें Amazon पर अवेलेबल भी है, फिर भी मैंने PC स्पेसिफिक ऑनलाइन शॉप से ऑर्डर किया है, उसके बारे में तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपकी उत्सुकता थोड़ी सी बढ़ी होगी PC के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हम और डिटेल्स में और गहराई से बातें करेंगे पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जितने भी PC एंथुसियास्ट हैं, जितने भी गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइए ताकि हमारी ये कम्युनिटी ग्रो करती रहे। आपके अपने मॉनिटर, आपके अपने PC के बारे में मुझे जरूर बताइए। हमेशा की तरह आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और COVID-19 से बचाव के हर संभव प्रयास आप कर रहे हैं। जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल हो रही है वैसे वैसे आप वैक्सीन लगवाएं और इस महामारी से बचे रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।